पंजाब में शहबाज ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून पंजाब नबील अवान का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सानहा मॉडल टाउन के वक्त तैनात कमिश्नर लाहौर राशिद लंगड़ियाल की खिदमात भी पंजाब में लेने से माजरत। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में शहबाज ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तैनातियां जो है वो की जा रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त नोटिस लिया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर सेक्रेटरी कानून पंजाब नबील अवान का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। बताया जाता है कि हफ्ते के रोज 16 मार्च को नबील अवान को सेक्रेटरी कानून पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत के महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया था, जिसके बाद माज जराये की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस में ये बात कही गई कि राशिद लंगड़ियाल और नबील अवान दो ऐसे अफसरान हैं जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ की इंतहाई करीबी टीम में से समझा जाता था, और जो नबील अवान है ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो है वो PSO रह चुके हैं और इन्हीं के दौर में जो है उनको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और DCO DG खान तैनात किया गया था, और अब इनको दोबारा जो है वो कुछ आला कुंती अहदेदार जो है वो पंजाब में सेक्रेटरी कानून पंजाब तैनात कर चुके हैं, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जाने से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। फौरी तौर पर इनको जो है वो इनका जो नोटिफिकेशन है वापस लेने का हुक्म दिया गया। इसी तरह जो है जो साबिक जब सारे बालट हुआ था उस वक्त कमिश्नर लाहौर जो तैनात थे उनका नाम राशिद महमूद लंगड़ियाल थे, और इनको ये भी जो है शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा समझा जाते थे। राशिद महमूद लंगड़ियाल को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब हुकूमत में लाने के लिए जो है वफाकी हुकूमत ने इनको रेक्विजिशन भिजवाई थी, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई थी, जिस पर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया है, जिस पर फौरी तौर पर जो है राशिद महमूद लंगड़ियाल का नोटिफिकेशन उन्होंने इस तरह कर दिया कि उनको वफाक को भिजवा दिया और इनकी खिदमात देने से माजरत कर ली है, और इन दोनों अफसरान को जो है पंजाब ने किसी भी जगह तैनात नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी कानून पंजाब एक इतनी अहम पोस्ट थी जहां पर नबील अवान तैनात किया गया था, इनको इनका तबादला भी जो है वो मनसूख कर दिया गया है, अब इनकी खिदमात भी जो है वफाकी हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की सपुर्द कर दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए से ये मालूम हुआ है कि दोनों अफसरान की तैनाती के बाद जो है अब एक फहरिस्त तैयार की जा रही है कि पंजाब में कितने ऐसे अफसरान हैं जो शहबाज ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है ताल्लुक रखते हैं, जो शहबाज दौर में इंतहाई अहम मौतों पर तैनात थे, उनकी फहरिस्त तैयार करके इमरान खान साहब को पेश की जाएगी। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनसे मुतलिक कुछ हम जो है फैसले और इकदाम देंगे, उनकी तैनातियों से मुतलिक फैसला किया जाएगा। ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में इंतहाई बड़ी पेशरफ सामने आई है, क्योंकि पंजाब जो महकमा कानून पंजाब का ये जब से हुकूमत आई थी सेक्रेटरी कानून की तैनाती का मामला था, और अब फिर दोबारा जो है वो सेक्रेटरी कानून की जो इजाफी चार्ज है दोबारा जो है वो अली मुर्तजा के सुपुर्द कर दिया गया है, और अब सेक्रेटरी कानून का जो मुस्तकिल तैनाती है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब हुकूमत गई थी तो नई हुकूमत आने के बाद सेक्रेटरी कानून पंजाब जो बहुत अहम मामला थी, बहुत सारे केस जो है वो अदालतों में पेंडिंग थे, जेल इतवा थे, और सेक्रेटरी कानून ना होने की वजह से बहुत सारे जो है मामला दिल की सूरत में जो ऐवान में पेश किए जाते थे बहुत सारे जो है वो जेर इतवा देखने में आए, जिसके बाद जो है नबील अवान को यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन अब इनका नोटिफिकेशन भी वापस कर दिया गया है, जिससे महकमा कानून पंजाब के मसाइल मजीद जन्म देंगे, और इस तरह जो बाकी अफसरान के हवाले से भी जो है आइंदा दिनों में कुछ फैसले मतपत्ते हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए।